आप क्या करें, क्यों उठा लें। तो इस तरह से कमेंट्स आए, तो आप लोग सोचिए कि वो वही कमेंट्स है जिसे मैंने। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको गुड इवनिंग। एक मिनट दोस्तों, वीडियो कट मत करना, आज कुछ आप लोगों के साथ खास बातें हैं। एक मिनट, में खड़ी हो जाती हूँ, बराबर नहीं दिख रहा तो इसलिए मैं नहीं बैठूँगी। दोस्तों, आप लोगों के साथ मेरी एक खास बात है जो मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि ये जो बात है ऑनलाइन ही है। और दोस्तों, आप लोग मेरी फैमिली हो तो मैं अपनी ये बात आप लोगों से नहीं बताऊंगी तो मैं किससे बताऊंगी। तो दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो सबसे पहले मैं जो नॉर्मल फेसबुक आता है, पहले जो लोग नॉर्मली फेसबुक चलाते थे तो मैं भी नॉर्मल फेसबुक चलाती थी, पेज नहीं। तो उसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, और आप लोगों को ये पता है कि जो फेसबुक होता है उसमें सिर्फ 5,000 फ्रेंड ही एक्सेप्ट किए जाते हैं उस प्लेटफॉर्म में। तो मैंने भी ये जितने मेरे कुछ, तो मैं नामदेव समाज से हूँ, तो मैंने अपने नामदेव समाज के लोगों को पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर कुछ बहुत से लोगों को किया जो मेरे समाज के थे, और भी अदर वाई कास्ट के भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब मेरे ही समाज के हैं, और भी कास्ट के बहुत से सभी हैं, बस अच्छे लोग होने चाहिए। तो दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत से लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। उनकी पहले तो मैं आईडी चेक करती थी, फिर देखती थी कि जो मेरे फ्रेंड के कुछ फ्रेंड से जुड़े हुए हैं तो मैं कर लेती थी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को भी पता है कि जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ तो वो जस्ट चैट में मैसेज कर दे। तो कुछ ऐसा नहीं है कि सभी लोग गलत होते हैं, गलत मैसेज करते हैं, कुछ लोग अच्छे से भी बातें करते हैं कि हेलो मैडम जी, आप कहाँ से हैं, आप क्या करती हैं, आप हमेशा आपका बोर्ड दिखता है, आप अपने क्लास में बनाती हैं वीडियो। तो मैं उनको बताती हूँ कि हाँ, मैं प्राइवेट स्कूल टीचर और प्राइवेट भी है, पढ़ाती भी हूँ, ट्यूशन वगैरह है, ये सब करती हूँ, और मैं अपने बारे में जो बताना है मैं बता देती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो मुझे बोलने लगते हैं कि आप अपना नंबर दीजिए। तो मैं देखो दोस्तों, मैं नंबर तो किसी को नहीं देती, पर्सनल नंबर है, क्योंकि नंबर दे दिया तो फिर जिसके पास मेरा नंबर रहेगा वो जब चाहे जब मुझे कॉल करेगा कि क्या बात करना है मुझसे। मैं कोई फेमस यूट्यूबर भी तो नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ी फेमस हूँ, कोई सेलिब्रिटी हूँ, मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ, थोड़ा बहुत ऐसा अपना करती रहती हूँ। तो इससे तो मेरी मैं कोई खास हुई नहीं कि मैं आपको नंबर दे दूँ, और मुझे ना कोई लाभ है कि इस फेसबुक चलाने से मुझे कोई लाभ है क्या है। तो जब आपका मेरे फैमिली टाइम में जब आप किसी को कॉल आएगा तो मैं अपने फैमिली में भी मुझे जवाब देना पड़ेगा ना कि मैंने मैं कौन है, क्यों कॉल किया है। तो इस डर से मैं नंबर नहीं देती। आप अगर एक शरीफ ख़ानदान से हैं तो आप इस बात को समझते होंगे। और फिर बार बार कॉल भी आने लगता है किसी किसी का चैट पे, तो मैं उनसे पहले ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप कॉल मत करें, मुझे प्रॉब्लम होगी। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, अब यदि किसी का चैट पे कॉल आया तो ये मेरी वीडियो बार बार कट होती है, कॉल की रिंग जो है इसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है, कभी मैं वीडियो एडिटिंग करती रहती हूँ उस टाइम पे कॉल आ जाता है, कभी मैं ये ऑनलाइन पढ़ाती रहती हूँ क्लास में तो उस टाइम पे कॉल आता है, तो मुझे तकलीफ़ होती है ना, मुझे प्रॉब्लम होती है। बाकी मैं भी जानती हूँ कि आपका कॉल आया मैं उठा लूँगी तो मैं मर नहीं जाऊँगी, ना आप मुझे खा लेंगे, ना मैं कोई हीरोइन हूँ। तो लेकिन काम बिगड़ जाता है ना, जो मैं काम कर रही हूँ उस काम में तकलीफ़ होती है। तो जब मैं आपको एक बार मना कर दी कि प्लीज़ सर आप मुझे कॉल मत कीजिए ऐसे टाइम पर, जब आप, हाँ मैं कभी जब आपको बात करना है, जो करना है तो आप कमेंट्स में बोल दीजिए, मैसेज कर दीजिए, क्या पूछना है आपको, मैं तो आपको कमेंट्स में भी सब रिप्लाई कर देती हूँ। ऐसा क्या पर समझे कि आप दोस्त हैं मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे इतने सारे चैनल पड़े हैं, सब में मैं कितना चिल्लाती रहती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, कितने बच्चे हैं, सारी जानकारी तो मैं दे के रखी हूँ। फिर आपको इस तरह से मेरे काम के टाइम में कॉल करने का क्या, जब ये ऑनलाइन देखेंगे तो कॉल कर देंगे, तो उस टाइम पर मैं कुछ करती रहती हूँ ना। तो मेन बात ये है दोस्तों कि इसी तरह से मैंने कई लोगों को ब्लॉक कर दिया। देखो, तो जिन लोगों को मैंने फेसबुक में ब्लॉक कर दिया, इंस्टा पे ब्लॉक कर दिया, तो वो फिर आते हैं यूट्यूब में। अभी आप मेरे यूट्यूब में कमेंट्स आ रहा है, झूठी, धोखेबाज, ऐसे लोग बोल देते हैं। तो
मैं किस बात के लिए झूठी हूँ, किस बात के लिए धोखेबाज हूँ, क्योंकि मैं नंबर नहीं दे रही। आप मुझे परेशान कर रहे हो तो मैं ब्लॉक कर दी, इसलिए मैं धोखेबाज हूँ। तो दोस्तों बताइए कि मैं अपनी मुसीबत बढ़ाऊँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज़ मुझे कॉल, आप कॉल कीजिए ही मत सर, आपको क्या बात करना है बताइए। तो आप वीडियो कॉलिंग कर देते हैं, और तो वीडियो कॉलिंग में क्या देखना है, मुझे नहीं देखना है आपको, तो फिर आपको क्या देखना है। वीडियो तो इतनी सारी दुनिया बनाती, जो आपके ऊपर इंटरेस्ट है जिसका, उससे आप कॉल कीजिए ना। बाकी आपको मुंबई में कभी है, कुछ काम है, कोई सेवा है, भाई मैं तो इतना कर नहीं सकती, और अगर कुछ ज़रूरत है तो उसके लिए आप बताइए। मैं तो कमेंट्स में भी बातें करने को तैयार हूँ, लेकिन कॉल करने का क्या मतलब। और ऐसा नहीं जब मैं आपको एक बार किसी को मैं रिप्लाई कर दी, हाँ मैं ये हूँ, उसके बाद भी आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि मैं कहाँ से हूँ, मेरी फर्जी आईडी नहीं है। तो कुछ लोग तो बोलते हैं मुझे देखना है कि आपकी आईडी फर्जी है कि नहीं। अरे जब मैंने आपको एक बार बता दिया कि आप मुझे चेक कर लो, मेरी पूरी प्रोफाइल चेक कर लो, मुझे यूट्यूब में चेक कर लो, इंस्टा पे चेक कर लो, मेरी कोई फर्जी आईडी नहीं है, तो फिर इस बात पे क्या बहाना बनाना कि आपकी आईडी फर्जी है। और कॉल भी किसी का वीडियो कॉलिंग उठा लेना ना बहुत बुरी चीज़ है, कभी वीडियो कॉलिंग किसी का उठाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे लोग रहते थे पता नहीं क्या दिखा देते वीडियो कॉलिंग में, वो सब गलती से एक आध बार उठ गया ना तो किसी को मैं उठाती ही नहीं। देखो दोस्तों ये मैं भी नहीं बोल सकती, लेकिन मैं किसी की वीडियो कॉलिंग उठाती ही नहीं हूँ भाई, क्योंकि मुझे नहीं देखना। लोग अच्छे नहीं होते, आप लोग अगर समझ रहे हो तो लोग अच्छे नहीं होते, हर किसी का वीडियो कॉलिंग नहीं उठाना चाहिए, लोग अच्छे नहीं होते, पता नहीं वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्यों उठा लें। तो इस तरह से कमेंट्स आए तो आप लोग सोचिए कि वो वही कमेंट्स है जिसे मैंने फेसबुक में ब्लॉक किया, जिन लोगों ने मुझे परेशान किया, तो इस तरीके से वो लोग कमेंट्स कर देते हैं। और बाकी मेरी सब ज़िंदगी खुली किताब है, फैमिली है, दो बच्चे हैं, हाउस का घर का मतलब पूरा काम मैं करती हूँ, और ये थोड़ा और बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। ना मैं बहुत अमीर हूँ, गरीब हूँ, पति रातों दिन काम करते हैं तो घर चलता है, पेट चलता है, और मुंबई में रहते हैं, भाड़ा देते हैं, किराया जुटाते हैं, ये सारी ज़िंदगी हमारी है। तो मेहनत करते हैं तो दो रोटी खाने को मिलता है, कपड़ा मिलता है। तो दोस्तों यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो ऐसे कमेंट्स आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, और उस कमेंट्स को आप लोग देखें, और आप लोग खुद सामने से बोलिए कि ऐसा किसी को क्या करना चाहिए। मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे भी लगता है कि कभी मुझे सपोर्ट मिलेगा, कभी मुझे भी यूट्यूब से अगर मिला, मेरे नसीब में हुआ, तो मैं आगे बढ़ने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए वीडियो बनाती हूँ, ना कि यहाँ मैं किसी के साथ पर्सनल दोस्ती करने के लिए वीडियो नहीं बनाती दोस्तों। और ना ही ये सब करने की मेरी एज है, मेरे दो बेटे हैं, और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, पूरा आधी ज़िंदगी बीत गई है संघर्षों में, आधी जो कुछ बची है तो वो सोच रही हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिले। तो कुछ मेरे और भी सपने हैं जो नहीं पूरे हुए हैं, तो अगर नसीब में हो, आप लोगों का साथ और प्यार हो तो शायद हो जाए, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, मैं यही समझूंगी जो नसीब में नहीं होता वो नहीं मिलता। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी बहुत ही खास है, आप लोग इस वीडियो को मेरे ज़रूर पूरा देखना, तभी तो मेरी बात समझ में आएगी और आप लोग मेरी बातों पर अच्छे से गौर कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।